एप्पल इस कदर गंदा है यार, मेरा तो मन उठ गया भाई फोन से, बस मैं एक्सीडेंट हो गया यहाँ पे। वो बीस वाला बर्गर नहीं खाना मुझे तो सब... मैं गाड़ी से कूद जाऊंगी। बर्गर नहीं खिला रहे हैं। सो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। मेरा नाम अनुराग सिंह, आप सभी मेरे को जानते हो, नहीं जानते तो प्रेस द सब्सक्राइब बटन, आप सभी मेरे को जान जाओगे। तो गाइस, फाइनली मैं जिस फोन से ये ब्लॉग शूट कर रहा हूँ, इस फोन ने ना मेरे को परेशान करके डाल दिया। ये है आईफोन 13 प्रो 256 GB। अब इसकी पता नहीं, मैंने अपडेट करा था, ये अपडेट करने के बाद इसकी टच ना येलो हो गई है, 20% टच येलो हो गई है, और इसका चार्जिंग सॉकेट वगैरह काम ही नहीं करता यार। डाटा केबल 3 खरीद चुका हूँ मैं, तीनों की तीनों खराब हो गई, ब्लैक हो जाती हैं। वो मैं आपको अभी दिखा दूंगा कि मैं लाया हूँ कैसे हो जाती है, फिर वो चार्जिंग नहीं देती हैं। डाटा केबल खरीद लिए, अडॉप्टर खरीद लिए, सब चीज खरीद ली, पर भाई परेशान करके डाल दिया। एप्पल इस कदर गंदा है यार, कसम से रुला देता है। हर तीसरे महीने में सर्विस कराता हूँ इसकी। तो ये हालात है इस फोन के, और उसके साथ ना इसके ना स्पीकरों में आवाज नहीं आ रही, कान वाले में नहीं आ रही, वॉल्यूम वाले में नहीं आ रही। भाई बहुत ज्यादा लैग हो रहा है फोन ये। अगर ऐसा परेशान करेगा ना यार आईफोन, तो भाई मेरा तो मन उठ गया आईफोन से। बस मैं किस लिए लेता था आईफोन, वीडियो बनाने के लिए। अब वीडियो मैं इतनी बनाता नहीं हूँ, क्यों, वीडियो बनाने का भी रीजन है भाई, रिस्पॉन्स को चाहता नहीं है वीडियो पे, फालतू में वीडियो बनाते रहो, अपना टाइम खर्च करो, दूसरा अपना पैसा खर्च करो, तीनों चीजें बेस्ट हो रही है, टाइम, पैसा और मेहनत। तो अब इसलिए ना मैंने सोचा अब वीडियो तो बनाता नहीं होगा, ये फोन सही हो जाता है तो ठीक है। वैसे 1000 में सर्विस हो गई इसकी, अगर क्वालिटी वगैरह सही हो जाए ना तो बढ़िया है यार, ना तो मेरा बड़ा मूड खराब है। इसमें टच तो मैं डलवाऊंगा नहीं, और आईफोन 15 प्रो मैं लूंगा नहीं, क्योंकि भाई मैं हो गया हूँ बेशरम, मुझे इसी फोन से काम चलाना है, क्योंकि 1.5 लाख रुपये बहुत बड़ी रकम होती है, हर कोई भाई मिडिल क्लास बंदा नहीं डालेगा। फालतू में जब मेरे पास है आईफोन तो मैं क्यों डालूँ, इतनी तगड़ी क्वालिटी तो उसमें भी नहीं है। जो एक्सीडेंट हो गया यहाँ पे, ये देखो स्कूटी लग गई, क्या कुछ लग गया दिखे। गाइस फाइनली हम पहुँच चुके हैं, अब चलना है सीधे एप्पल केयर में और जाके देखते हैं कितना टाइम लगता है। तो सो गाइस, फाइनली हम अपना आ चुके हैं बाहर, फ़ोन सही करवा के, फ़ोन हो चुका है बिल्कुल ठीक, सर्विस हुई है उसका, 1000 चार्ज गया है, और अपने एक महीने के गारंटी में दिक्कत नहीं होगी, जैक वगैरह सब सही हो गया है। तो ये कह रहे हैं कि ये है लोकल चार्जर, अब देखो ओरिजिनल देखते हैं। घर पे अगर एक चार्जर हो रहा है, अगर वो हुआ तो दूसरा, तो इसका मतलब लोकल गड़बड़ हो गया मामला कहीं ना कहीं। चलो कोई नहीं, अब निकलते हैं यहाँ से और सीधे पूनम से मिलते हैं, फिर डिसाइड करते हैं कि कहाँ जाना है। कुछ खा लेंगे यार, भूख लग रही है बहुत तेज, सुबह से कुछ नहीं खाया मैंने, कुछ भी A to Z में कुछ भी नहीं खाया, बस एक ओट्स खाए थे और एक दो ब्रेड, ब्राउन ब्रेड ली थी बस, और कुछ नहीं खाया गाइस। मेरा मूड ख़राब हो जाता है। अब 142,000 के आसपास का मेरे को फ़ोन पड़ेगा, आईफोन 15 प्रो 256 GB। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं, कहां पहुंच गए भाई, ये पूनम के घर के सामने पहुंच गए। ओ सामने खड़ी हुई है, क्या रिस्पॉन्स देती है। खोल दिया। और भाई क्या हाल है, लिपस्टिक बड़ी कर रही लग रही ना, कौन है तू, अरे जल्दी बैठ, गाड़ी आ रही है, और मेरा चश्मा रख दे। तो तुम्हारा चश्मा के मुझसे दब जाता, ये कहाँ से लिया, बड़ा वीआईपी चश्मा लग रहा है। हल्के में ले रही है क्या, हम खुद भी आई भी हैं। अरे जाओ घंटा जाओ। बढ़िया लग रहा है, देखो क्या लगा के देख ले, इसमें तुम्हें दिखता है पूरा, दिखता है तुम्हें इसमें, दिखाना, बढ़िया तो लग रहा है। कहाँ से लिया है, रोड पे पड़ा था, उठा लिया है। हाँ पड़ा सही नहीं लिया तो। तो गाइस फाइनली अब डिसाइड करते हैं हम कहाँ जाने वाले हैं, मतलब कहीं कुछ खाने के लिए, या फिर अभी डिसाइड नहीं किया गाइस कहाँ जाने वाले हैं, आपको बताते हैं डिसाइड करके कहाँ जा रहे हैं दोनों, पहले मैं हम दोनों डिसाइड करते हैं आपस में, फिर ये आपको बताएगी कहाँ जा रहे हैं। तो गाइस फाइनली हमने डिसाइड तो किया था कि मैं अपने से एक बर्गर खिलवा दूँ 20 वाला और अपने सीधे घर चला जाऊँ, बट ये जिद कर रही है कहाँ की,
गजरौला की। तो अब चलो भैया इसकी जिद के सामने तो मानना पड़ेगा ही, गजरौला जाना पड़ेगा। अब पहले भैया देख लो देख लो देख लो देख लो, घूम जा घूम जा घूम जा घूम जा। इधर कहाँ है गजरौला? तो इधर ही तो गजरौला पड़ेगा। अबे सिट भाई, उधर से ही निकल जाते हैं हम। ये लो, तुम्हें कुछ रास्ता नहीं पता। बट अब मेरा मन नहीं कर रहा यार, मैं नहीं बोल रही, गाड़ी गलत घूम गई ना। इधर से भी तो गजरौला आता है। देख वो वाला ही बर्गर ना यहाँ पे मिल जाएगा 20 रुपए में। नहीं वो 20 वाला बर्गर नहीं खाना मुझे। तो 70 यार भाव, मैं पतली हो गई हूँ यार, कुछ तो समझो यार। 50 वाला खा ले। मैं कुछ भी नहीं है यार, फिर भी तुम में दिक्कत आ रही है। 50 वाला खा लियो, 50 वाला। 50 वाला नहीं खाऊंगी मैं। वो कितने वाला आता है? 200 वाला आता है? कितने कम कोई वाला? 320 रुपए का आता वो। तो कोई बात नहीं ना, 320 रुपए हैं तेरे पास ना, प्लीज 320 रुपए हैं तेरे पास। हाँ तो मैं तुम्हें बाद में दे दूंगी ना। 320 रुपए भी तो होने चाहिए, मेरे पे तो है ही ना। तुम्हारे पास पैसे नहीं है नहीं। तो इतनी बड़ी गाड़ी लेके क्यों घूम रहे हो? ये तो भाई शान है। मैं नहीं बोल रही तुमसे। ये तो भाई शान है, फटे तो फटे, पोजीशन ना घटे। बर्गर जरूर खाऊंगी, नहीं तो मैं गाड़ी से कूद जाऊंगी। कूद जा मर जा। अब हम जा रहे हैं सीधे बर्गर सिंह, है ना? हाँ बर्गर सिंह, वहाँ पे से उड़ता पंजाब जो एक बर्गर है वो अच्छा लगता है, वो खिलवा देंगे। वो भी रेट सेम ही है और सेम ही वो है। सेम नहीं है, वो सस्ता है। सस्ता नहीं है, 250 रुपए का वो भी, 250 रुपए का वो भी हल्के में। अंकल, अंकल बर्गर नहीं खिला रहे हैं अंकल, सुन ली थी मैं। चुप चुप, बिल्कुल चुप। हंसने लग गया यार, तो जिंदा चूतिया बंदी कर रही है तू तो। इन्हें कह दूंगी मैं तुम्हारी शिकायत। देखियो कैमरे में कितनी मोटी आ रही है। तो गाइस देख सकते हो हम पहुंच चुके हैं स्मार्ट सिटी मुरादाबाद। खतरनाक ही लगता है यहाँ तो सब चीज। गाड़ी खड़ी करने की भी जगह नहीं रहती है, इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ है, इतनी तो इतनी, कुछ पूछो मत। यहाँ भी नहीं है जगह, आग लगा के आओ भाई। बर्गर सिंह में और हमने दो बर्गर ऑर्डर किया। अब फिलहाल वेट कर रहे हैं और देखते हैं कितना टाइम लगा। तो कुछ रीलें भी बनाई हैं अपनी गपशोदी वाली, तो देख लेना आप, मन करे तो, मन करे तो आपका देख लेना, ना तो कोई बात नहीं। फाइनली फ़ोन तो ठीक हो चुका है भाई का, तो अभी तो स्पीकर प्रॉब्लम थी, स्पीकर और थोड़ा चार्जिंग प्रॉब्लम थी, चार्जिंग। तो भाई फाइनली अपने बर्गर आ चुके हैं। अभी ना पेलना का पेलना हो रहा है, मुर्गा मुर्गा है। बट ऐसा नहीं है, रुक जा। तो भाई ये है क्रिप्सी और इसका है उड़ता पंजाब। ये देखो ये उड़ता पंजाब, ये डिफरेंट है, ये वेज है, ये नॉन वेज है। सो गाइस फाइनली हमने बर्गर खा चुके हैं। वो बर्गर खाने के बाद भाई अल्टीमेट मजा आ गया, कसम से खुदा। आए कसम से गाइस बहुत अच्छा बर्गर था, चिकन बर्गर में बहुत टेस्ट था। उड़ता पंजाब लो क्लास, क्यों? चिकन बर्गर के सामने वेज बर्गर कुछ मायने नहीं रखता भाई, कुछ मायने नहीं रखता, क्योंकि उसका रोल ही अलग है यार। अभी तो कह रही थी मैं वहां के लिए, वहां पे भी इतना खास नहीं, चिकन चिकन ही है और नॉन वेज नॉन वेज ही। अब देख सकते हो गाइस चिकन चिकन नॉन वेज, चिकन चिकन ही है और वेज वेज ही है। तो गाइस